दोस्तों ये सिंगल डिन एक स्टीरियो है, इसमें लेकिन जगह दी हुई है डबल डिन स्टीरियो लगाने की। डबल डिन का मतलब होता है कि जो ऐसे दो की जगह पे एक स्टीरियो आ जाए, तो इसमें हम टच स्टीरियो भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक सिंगल डिन स्टीरियो लगा हुआ है सोनी का, और डबल डिन मैं एक स्टीरियो लगाऊंगा, लेकिन इस गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ी में, वो आपको दिखाऊंगा। स्टीरियो है ये कम्प्लीटली बटन वाला है, ये चलता अच्छा है, आवाज अच्छी आती है, सब कुछ ठीक है इसमें, लेकिन इसमें टच सिस्टम नहीं है। और यहाँ तक कि हम लोग को आदत हो चुकी है अपने मोबाइल की वजह से कि हम हर चीज को टच करके इजीली उसको यूज कर लेते हैं, तो ये चीज इसमें नहीं हो सकती क्योंकि ये पहले के मॉडल होते थे। आइए देखते हैं कि किस तरह का टच स्टीरियो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो ये जो स्टीरियो का बॉक्स हमें मिला है, इसमें हमें मिला है स्टीरियो, उसकी वायरिंग, और हमें साथ में एक मिला है एक रिमोट, जिसके बारे में मैं और बात करूंगा। इसमें ट्रिपल ए के सेल डलते हैं, जो कि नॉर्मल आपके पेंसिल सेल हैं पतले वाले, वो इसमें डलते हैं, और आपको मिलता है एक स्टीरियो का मैनुअल। एक्स प्रो के नाम से ये आता है दोस्तों, इसको कई ब्रांड्स अपने अपने नाम से देते हैं। ये MP5 कार स्टीरियो कहलाता है, इसको अलग अलग कंपनी अपने नाम से इस किट को असेंबल करके अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। यहाँ पे मेरे पास XPro कंपनी का है, हो सकता है कि आप जो मार्केट में देख रहे हो वो साउंडटेक या पैनासाउंड या अलग अलग नामों से, वुडमैन, अलग अलग नामों से ये आते हैं। बेसिकली किट इनकी काफी मिलती जुलती होती है अंदर की, और अलग अलग कंपनी अपना ब्रांड से इनको बेचती है और अपनी अपनी वारंटी देती है। इस सेट में मुझे एक साल की वारंटी डीलर ने दी है, मैंने ये लोकल मार्केट से लिया है। दोस्तों देखते हैं बॉक्स पे क्या क्या जानकारी लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कार मल्टीमीडिया सिस्टम, ये एक टच सिस्टम है, 7 इंच इसका डिस्प्ले है, फुल HD 1080p सपोर्ट करता है, LED इसमें डिस्प्ले है जो आपको कई रंगों में मिलते हैं, जो बटन का डिस्प्ले में चेंज होता है, और इसमें हमें मिलता है मिरर लिंक जो सपोर्ट करता है iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस दोनों को, ये सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड की डिवाइस का मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ डब्बे पे और क्या क्या लिखा हुआ है। FM है, ऑडियो वीडियो इन है, WMA फाइलें चल सकती हैं, MP5 प्लेयर कहलाता है ये, TF कार्ड रीडर है ये, USB इसमें सपोर्ट है। स्पेसिफिकेशन देखें तो 7 इंच का LCD डिस्प्ले है इसमें, MP3, MP4, MP5, WMA कंपैटिबल है ये, और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो स्किप प्रोटेक्शन भी है। इसमें CD प्लेयर नहीं है दोस्तों, तो ये CD नहीं चला सकते हैं। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग है जो आपका FM में काम आएगी, वो आप कर सकते हैं ट्यूनिंग। FM के 18 स्टेशन प्रीसेट आप कर सकते हैं, स्टेशन सीक कर लेगा ये, स्टेशन पकड़ लेगा जो FM के होते हैं। माइक्रो TF कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है और USB पोर्ट भी दिया हुआ है, जिससे कि आप अपनी पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ के वायरलेस हैंड्स फ्री फंक्शन का सपोर्ट भी है, यानी आप अपने मोबाइल को इससे ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके कॉल्स भी रिसीव या कर सकेंगे और उससे मीडिया भी चला सकेंगे, जैसे कि गाने आप चला सकेंगे। इसके अलावा फुल फंक्शन वायरलेस इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर कंट्रोल भी दिया हुआ है, इक्वलाइजर के कुछ आपके पास ऑप्शन भी हैं, पॉप, रॉक, क्लासिक, जैज, और इसके अलावा ऑक्स और ऑडियो वीडियो का सिग्नल आउटपुट का भी इसमें चॉइस है। 60 वॉट्स मैक्सिमम इसमें 4 चैनल की हाई आउटपुट है, जो कि ठीक ठाक है, और स्टेयरिंग व्हील का कंट्रोल है। तो अगर आपकी गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील लगा हुआ है जिसमें कंट्रोल है, उस स्टेयरिंग व्हील के कंट्रोल के द्वारा भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे इस स्टीरियो को। इसके अलावा एक डिजिटल क्लॉक भी मिलती है, डुअल वीडियो आपको आउट और सब वूफर आउटपुट भी है। दोस्तों ये फीचर मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। 7 कलर रोलिंग LED लाइट भी आपको इसमें मिलती है। अब मैं होम बटन दबाऊंगा और देख सकते हैं रेडियो, फोन लिंक, USB, AV इन, ब्लूटूथ और कार्ड। तो यहाँ आपका पेन ड्राइव लगता है और यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ से बढ़ती है प्लस और माइनस, तो अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, हम PKFM RJ सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो फोटोज हैं उन्हें बिना, आप सुन सकते हैं आवाज बहुत अच्छी और स्पष्ट रूप से आ रही थी, मैंने अभी आवाज बिल्कुल खत्म कर दी है। एक USB पेन ड्राइव मेरे पास है,
जो कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इससे चलाएंगे अब हम कुछ गाने। और गाने की आवाज तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा लेकिन गाने इसमें चलेंगे। अब ये लोड करा यूएसबी, ये गाना बज रहा है इसमें। इस तरह आप गाने सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको स्क्रॉल करने के लिए इस बटन को इस्तेमाल करें और यहाँ से आप स्क्रॉल करें आराम से ऊपर या नीचे, आप इसको स्क्रॉल कर पाएंगे और अपने मनपसंद गाने को सिलेक्ट कर पाएंगे। हाँ, तो आपका ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ इस बटन को दबाने पे वीडियो वाले फाइल्स आ जाएंगी। ये MP4 फाइल्स हैं, तो मैंने कुछ फाइलें डाली हैं दोस्तों इसमें, और ये 720p फॉर्मेट में डाली हैं मैंने। 1080 वाली फुल HD वाली फाइलें नहीं है ये, चला के दिखाता हूँ तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इसमें। तो मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं एड फुल स्क्रीन आ रही है, शायद वीडियो फुल स्क्रीन ना आए क्योंकि ये फुल HD फॉर्मेट में नहीं है। दोस्तों ये वीडियो चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, वीडियो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसकी हम ब्राइटनेस भी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ये एक टूल्स का आइकन है, इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे ऑप्शन आता है जिसमें कि डिस्प्ले और यहाँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट और ये सब ऑप्शन है। फील्ड में जाता हूँ तो स्पीकर के ऑप्शन आते हैं, ऑडियो में जाता हूँ तो ऑडियो को सेट करने का ऑप्शन है, लाउडनेस में भी मेरे को ऑप्शन मिलता है, इक्वलाइजर मिलता है जिसमें मैं अपने हिसाब से इक्वलाइजर चूज कर सकता हूँ, कस्टम सेटिंग भी इसमें दी हुई है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम का कंट्रोल भी है जो कि मैं यहाँ से चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। तो ये दोस्तों ये सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं अगर मैं टूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो आपको मैंने वीडियो भी चला के दिखाया, वीडियो भी अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पेन ड्राइव से। चलिए अब हम और ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इससे बाहर आता हूँ और इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको निकालूंगा नहीं तो वो इस पे बाय डिफॉल्ट जाता रहेगा। मिरर लिंक ऑप्शन को यूज करते हैं, यूएसबी केबल को लगाते हैं जो कि आपकी एक नॉर्मल चार्जिंग केबल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे ये कुछ इस तरह। अब ऑटो लिंक नाम का एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है दोस्तों, तो वो ऑटो लिंक का एप्लीकेशन जब आप डाल लेंगे तो आप उससे चला पाएंगे इस ऑप्शन को। तो इस तरह मैंने ये लगा लिया, अब ये दूसरा पोर्ट मैं अपने फोन में लगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है ऑटो लिंक, ये ऐप मैंने पहले से ही अपने फोन में डाल लिया था। ये ऑप्शन हमें दे रहा है ओपन ऑटो लिंक जब यूएसबी एसएसडी कनेक्ट हो जाएगी, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को चाहे तो, और या फिर अभी के लिए ओके कर देते हैं। अलाउ ऑटो लिंक टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, अलाउ कर दीजिए, ये भी अलाउ कर देते हैं। फोन कॉल मैनेज करना, फोटो लिंक सारा मीडिया एक्सेस ले लेगा ऑटो लिंक जो है, ऑटो लिंक को एक्सेस दे दिया हमने सारे मीडिया का। अब ये चालू हो रहा है, अब चलिए इसमें स्टूडियो में जाते हैं, होम में जाते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फोन लिंक, तो फोन लिंक को क्लिक करते हैं। अब कह रहा है कनेक्ट फोन, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं। ऑटो लिंक विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया ऑप्शन डू नॉट शो अगेन का और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हूबहू मेरे स्क्रीन में जो है फोन के वही यहाँ पे आ चुका है, सेम टू सेम तरीके से वही दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फोन पे ये दिखा रहा है और यहाँ भी यही दिखा रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें कर पाएंगे। चलिए कुछ यूट्यूब की वीडियो चला के देखते हैं। ये सारा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अभी फोन से, सर्च करता हूँ मैं अपना चैनल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अपना नाम लिखता हूँ मनदीप सानी, ये पहला ही नाम आ गया है तो मनदीप सानी पे क्लिक किया मैंने। अब मैं इसमें अपना एक लेटेस्ट वीडियो चला के देखता हूँ, तो फोन को पोर्ट्रेट मोड में कर देते हैं। So what are we waiting for? Let's find out. हम आराम से इसको यूज कर पा रहे हैं, फुल स्क्रीन में वीडियो चला पा रहा हूँ यहाँ पे, तो YouTube का तो बहुत बढ़िया अनुभव है। चलिए मैप्स चला के देखते हैं, जाते हैं गूगल मैप्स में, तो ये मैप्स को क्लिक कर दिया मैंने। अब मैप्स में हम सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं एक जगह सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो इस जगह को सर्च करने के बाद यहाँ पे डायरेक्शंस भी आ रही है मेरे पास, तो ये डायरेक्शंस को मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट दबा देता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा मैप का भी हमारे पास पूरा कंट्रोल आ गया है। अब मैं इस मैप को आराम से यूज करके नेविगेशन भी चला सकता हूँ अपने मिरर लिंक
के द्वारा। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई दोस्तों। स्टीरियो में आप आराम से मैप्स, नेविगेशन या यूट्यूब या कोई भी वीडियो या ऑडियो मिरर लिंक के द्वारा अपने जितने भी एप्स हैं फोन में काफी सारे आप यूज कर पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। तो स्टार्ट होते ही दोस्तों ये आपका रेडियो पे आ जाता है बाय डिफॉल्ट। अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चैनल सेट किए हुए हैं 93.5, 98.3, 104, ऐसे बहुत सारे चैनल मैंने सेट किए हुए हैं जिसको मैं सुन सकता हूँ। दोस्तों इसमें चैनल सेट करना बहुत आसान है रेडियो का। अगर मैं जैसे यहाँ पे 87.5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे ये जिस तरह से चैनल कोई सिलेक्ट करता हूँ ये ट्यून करने की कोशिश भी करेगा। 91.1 पे ये रुका है और इस चैनल को ट्यून कर लिया है इसने, और अब इस चैनल को मैं रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली इसको दबा के रखूंगा। तो ये देखिए आप 91.1 अब यहाँ इसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चैनल को सीधा यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह मैंने और भी कई चैनल सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आवाज मैंने इस वक्त बंद कर रखी है, आवाज अगर मैं थोड़ी सी करूँ यहाँ पे तो आपको सुनाई देगा। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं गाने नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, लेकिन गाने बजते जरूर हैं और ठीक ठाक बजते हैं। तो दोस्तों FM तो इसमें बहुत बढ़िया चलता है। बैंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और भी कई ऑप्शन हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि ये वीडियो अभी छोटा चल रहा है तो इसको थोड़ा जूम करके भी एक ऑप्शन है हमारे पास रिमोट में। मैं इसको जब यूज करूंगा दबाऊंगा इस ऑप्शन को तो ये ऑप्शन से मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर पाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो जूम हो चुका है। तो इस तरह और भी कई बटन हैं जैसे कि इक्वलाइजर के लिए, डायरेक्ट के लिए अप्रोच करने के लिए बटन है, यहाँ पे कॉल को लेने के लिए बटन है, कॉल को एंड करने के लिए बटन है, और सोर्स यहाँ पे अगर मैं सोर्स कर पाता हूँ तो अलग अलग मैं इसमें चुन पाऊंगा। तो वॉल्यूम का भी बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम प्लस माइनस, और नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, इसका भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अलावा पावर का बटन है, म्यूट यहीं से हो जाता है, और भी स्क्रॉल करने के भी इसमें बटन दिए हुए हैं। चलिए मैं सोर्स को दबा के देखता हूँ कि सोर्स कैसे बदल सकते हैं। ये देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं मेरे को, ऑडियो वीडियो, रेडियो, फोन लिंक, USB। ये सोर्स के बटन दबाने से ये ऑप्शन आ रहे हैं ब्लूटूथ। तो अगर मैं इसको रेडियो पे छोड़ देता हूँ रेडियो पे तो ये ऑटोमेटिकली रेडियो पे ये ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ LED रोलिंग ये जो लाइट है, अलग अलग LED के लाइट्स आ रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है असल में। ये ब्लू और पर्पल और ग्रीन, इस तरह के बहुत सारे कलर्स इसमें आ रहे हैं। तो 7 कलर्स की अलग अलग LED लाइट आती है इसमें। दोस्तों आपको अगर नजर आ रहा है छोटा सा एक ब्लैक होल टाइप का जो दिख रहा है वो हमारा रियर कैमरा है। जो रिवर्स गियर है जब हम डालते हैं गाड़ी में तो वो हमें दिखता है उसके द्वारा स्क्रीन पे कि पीछे का व्यू क्या है, क्या क्या चीजें पीछे हैं, ताकि हम आराम से गाड़ी को रिवर्स कर सकें। चलिए आइए मैं थोड़ा क्लोज से भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये कैमरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे LED ये लाइट्स भी दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई, और ये कैमरे का लेंस यहाँ पे है और इसको लगवाया है स्टीरियो के साथ। स्टीरियो को हमेशा गाड़ी स्टार्ट में ही यूज कीजिए, इससे आपकी बैटरी पे कोई असर नहीं आता है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, अब मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने रिवर्स में डाल दिया है गाड़ी को, आप देख सकते हैं पीछे का पूरा सीन मुझे क्लियरली दिख रहा है। गाड़ी के पीछे मैं आराम से रिवर्स कर सकता हूँ इसको देखते हुए दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से मैं इस गाड़ी को पीछे देखते हुए रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो ये फीचर बहुत ही पसंद आया मुझे इस स्टीरियो का कि ये सपोर्ट करता है आपका रिवर्स कैमरा का फीचर, जो कि बहुत जरूरी हो गया है आजकल बड़ी गाड़ियों में या फिर कोई भी गाड़ी में जहां पे आपको तंगी है जगह की, या फिर आपके आसपास काफी ट्रैफिक या रश है तो उसके लिए, या लोग गुजर रहे हैं तो उसके लिए आपकी सेफ्टी और उनकी सेफ्टी के लिए ये फीचर काफी लाभदायक है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ब्लूटूथ का कनेक्शन कैसे होगा। तो आप अपने फोन का ब्लूटूथ मेन्यू में जा सकते हैं। दोस्तों जब हम ब्लूटूथ का ऑप्शन दबाएंगे तो हमारे को चॉइसेस में कार किट भी मिलेगा। कार किट एक्चुअली जो हमारा कार स्टीरियो है उसी का नाम है, तो हम कार किट को क्लिक कर देते हैं। अब ये पेयरिंग के लिए बोल रहा है, हमारे पास ऑप्शन है 0000 या 1234 लिख सकते हैं हम। तो 0000 मेरा
टल जाता है तो मैं उसी को लिख देता हूँ। तो 00000 मैं एंटर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको ओके दबा देता हूँ। अब ओके मैंने कर दिया है और ये देख सकते हैं आप कार किट कनेक्ट हो गई है, एक्टिव भी है। तो दोस्तों ये हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है। अब हम वापस स्टीरियो पे आ गए हैं। चलिए ऑप्शन में चलते हैं, होम में। तो होम को मैं क्लिक करता हूँ, होम में मैं जाऊंगा ब्लूटूथ में। यहाँ पे रेडमी Y2 मेरा मोबाइल दिखा रहा है, कनेक्टेड हो गया है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि क्रॉस करके हम इसकी पेयरिंग हटा सकते हैं। कॉल का ऑप्शन भी दे रहा है ये मेरे को यहाँ पे। तो चलिए आइए कोई नंबर मिला के देखते हैं। हेलो, हाँ जी आप कॉल पे हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं ब्लूटूथ स्टूडियो से बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, क्या स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दे रही है? मतलब कि ऐसा तो नहीं बहुत दूर से आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं, काफी क्लियर है। काफी क्लियर है दोस्तों, आप सुन सकते हैं जब मैंने फोन मिलाया है, सामने वालों ने बिल्कुल क्लियर बताया है कि उनको आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। तो दोस्तों आपने ये कॉलिंग पार्ट भी देखा, बहुत बढ़िया तरीके से कॉलिंग पार्ट चलता है इसमें। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें स्टूडियो की तो वो है कीमत। दोस्तों ये स्टूडियो मैंने लिया था 4200 रुपए का और रिवर्स कैमरा 800 रुपए का आया था। टोटल 5000 रुपए मेरे लगे हैं विद फिटिंग कंप्लीट, ये मुझे 5000 का पड़ा है। और दोस्तों ये कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। अगर आप बहुत ही बजट लेवल पे देख रहे हैं, कोई आप स्टूडियो टच वाला लेना चाहते हैं, उसमें मिरर लिंक का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, तो दोस्तों 5000 में तो इससे ज्यादा अच्छा हमें ऑप्शन नहीं मिल सकता। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने लोकल डीलर से लें, उसका आपको ये फायदा रहेगा कि आप उसमें कोई तकनीकी मदद की जरूरत है तो आपकी मदद अवश्य करेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो भी बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की सलाह मैं तभी दूंगा जब आपके आसपास ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो चीज आप सामने देख सकते हैं या लगवा सकते हैं वो आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। और आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक लिंक छोड़ दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन किए हुए कमेंट में, जिससे आप जाके उस कार स्टीरियो के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को देख सकते हैं और अपनी चॉइस खुद कर सकते हैं। ये डबल डिन टच स्टीरियो है, इसको MP5 कार स्टीरियो प्लेयर भी कहा जाता है। इसमें मिरर लिंक का ऑप्शन है। इससे ऊपर जो विकल्प आते हैं वो एंड्रॉइड ऑटो के साथ आते हैं। एंड्रॉइड ऑटो में आपको बहुत सारे एप्स को इंस्टॉल करने का भी मौका मिलता है और आपके मोबाइल की तरह वो एक फीचर है जिसमें आप मोबाइल की तरह ही अपने कार स्टीरियो को चला सकते हैं। इसमें आप मिरर लिंक के थ्रू अपने एंड्रॉइड के एप्स को चला सकते हैं फोन के द्वारा, लेकिन केबल हमेशा लगी रहती है, उसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्टीरियोस का फर्क है वो ये फर्क आता है दोनों में कि वो जो है एंड्रॉइड ऑटो वाला, उसमें आपको तार की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको गैप दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें गैप जो है ये गैप रहेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डबल डिन MP5 कार स्टीरियो टच प्लेयर है। अगर आपको अपनी गाड़ी की उसमें बेजल के साथ चाहिए तो उसके लिए कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। इस गाड़ी में, ये होंडा सिटी गाड़ी है, इस गाड़ी का ये अवेलेबल नहीं था इस मॉडल में, तो मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन हाँ, आप 1.5 से 2.5 हजार के बीच में अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको एक बेजल भी मिल जाएगी, जिसमें कि फीचर में फर्क नहीं होगा लेकिन उसकी लुक ऐसी आएगी जैसे कि वो उसी गाड़ी के लिए बना हुआ स्टीरियो है। तो दोस्तों मैं तो सलाह दूंगा कि ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप वो बेजल वाला नहीं भी लेते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को तो ये पर्सनली बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन लगा है, जिससे कि हम इसमें काफी फीचर मेरे को इसमें मिले हैं। शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और यूजफुल वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके सामने इस तरह ही अच्छे प्रोडक्ट पेश करता रहूँगा।